शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 3.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए, लड़का के लिए लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया, पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया, कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है, अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2,768 स्कूलों में नए भवन और 3,503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए
आपका एक साथी बनकर के, आपका एक सेवक बनकर के, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया। 7 निश्चय 2 में एक और काम हम लोगों ने इधर कर दिया है, पिछले वर्ष से शुरू किया है, और वो सुविधा एक कर दिया है कि भाई डेली मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। जितने आपके जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसमें डेली मेडिसिन की व्यवस्था कर दी गई। और वहां पर कोई, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई इधर से उधर जाने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं पर अपनी बात को रखेगा और उनका पास जिला मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं, वो वहीं से देख लेते हैं, परामर्श दिया जा रहा है। और इसके परामर्श का लोग कितना फायदा ले रहे हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने पिछले ही साल में शुरू किया और अब हो गया है 7,800 स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था हो गई। और आप जानते हैं मात्र 1 साल के अंदर 75 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ ले लिया। मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृत काल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, ये अमृत काल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृत काल हम सबके लिए कर्तव्य काल है, ये अमृत काल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था, 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था, उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था, वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमारे नसीब में
देश के लिए मरने का मौका नहीं है, लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं, 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। यानी जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, खराब स्थिति में है, तो उसके चलते उसके इलाज का इस तरह से सुझाव दिया जाता है। ये सब काम किया जा रहा है हम लोग, और सब हम लोग कर रहे हैं। बाल हृदय योजना कितना करवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? ये सब कुछ किया गया था, ये जो भी था, आप इसके चलते जितने लोग हैं हृदय में छेद के साथ जो जन्म होता है, अब उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका इलाज होना चाहिए, और कहां इलाज होता है, तो यही पता चला कि प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्साई अस्पताल में इसका इलाज वो मुफ्त में करता है। वहां ये पता चला तो हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके पीड़ित जितने होंगे उन सब लोगों को यहां से वहां भेज दिया जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर उम्र है तो एक आदमी को साथ भेजेंगे, आने जाने का पैसा, उसको रहने का, हर तरह का इंतजाम के लिए पैसा। और अगर 6 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 2 लोग जाए। तो ये सब के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत पैसा दिया है। 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से सहायता भी दी गई। अब उसके चलते आप समझ लीजिए कि बहुत इलाज हुआ। 703 बच्चे बच्चियों का इलाज हो गया वहां से। अब जब वहां भेज रहे थे तो हम लोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो पटना में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITIC, तो हमने कहा कि यहां भी इसका इंतजाम करिए। तो इसके चलते अब यहां पर इसका इलाज शुरू हो गया। हृदय के छेद वाले से जन्मे बच्चों का उसका इलाज यहां शुरू हो गया। और आप जान लीजिए कि अब 161 बच्चों का इलाज यही हुआ। और फिर जो केंद्र का ITIMS है उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि यहां पर काम शुरू करिए, तो वो भी अब शुरू कर दिए। तो वहां भी 24 बच्चों का इलाज हो गया। आप सोच लीजिए इस तरह से जो भी पीड़ित लोग हैं, हृदय में छेद के साथ जो जन्मे हुए लोग, ऐसे लोगों के इलाज के लिए सब तरह से हो जाए ताकि वो जीवित रहे और आगे बढ़े। ये काम भी हम लोग करवा रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे। और आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। पहले तो मात्र बिहार में 16 या 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम तो तय कर दिए कि जिला तक वाले को करेंगे, और देखा कि भाई जिला तक पर तो सबका होगा, वो आगे हो जाएगा, लेकिन जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो प्रमंडलीय मुख्यालय 9, तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा। तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और आप जानते हैं हम लोग बिहार में कितना ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पुराना क्या है आप जानते ही हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सबसे पुराना। और कितना इलाज होता था। बिहार का दूसरा है
दरभंगा का डीएमसीएच, तो हम लोगों ने क्या तय किया भाई, बिहार जो का जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है इसको 5,462 बेड की क्षमता का हम लोग निर्माण करने की शुरुआत कर दी है। एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जरा सोच लीजिए इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, अभी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, आज कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए ये आईजीआईएमएस